नमस्कार दोस्तों, शर्मा जी की वीडियो में आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्मचारियों के HRA बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति 0.35% बढ़ी, यानी सातवें वेतन आयोग के अनुसार अगर HRA बढ़ता है तो उस पर मुद्रास्फीति पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का आवास भत्ता HRA बढ़ने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI उस पर आधारित जो मुद्रा स्फीति है उस पर करीब 0.35% का असर पड़ा है। दोस्तों तो ये जो सातवें वेतन आयोग के जो HRA बढ़ने से जो असर पड़ा है मुद्रा स्फीति पर, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का आवास भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंसेस इंग्लिश में, उसके बढ़ने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI उस पर आधारित जो मुद्रा स्फीति है करीब 0.35% पर असर पड़ा है। रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग के एक शोध पत्र में ये बात कही गई है कि सातवें वेतन आयोग के तहत संशोधित HRA जुलाई 2017 से अमल में आ जाएगा। तो CPI मुद्रा स्फीति पर आवास किराया भत्ते में वृद्धि का प्रभाव शीर्षक से जारी पत्र में कहा गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति के विश्लेषण से पता लगा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार HRA में वृद्धि से खुदरा मुद्रास्फीति करीब 0.35% बढ़ेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ राज्यों में अपने कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते में उतनी वृद्धि की गई है, लेकिन घोषणा और वास्तविक वितरण में प्रशासनिक देरी तथा राज्यों द्वारा आंशिक वितरण जैसे कारणों से आंशिक में उसका प्रभाव नहीं दिया दिख रखा। और ये भी न्यूज़ है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन 2.57 गुना बढ़ा है। CPI में आवास में एक महत्वपूर्ण कारक है, इसका भारांश 10.07% है। आवास खंड में आवास किराए का भारांश 9.51% तथा अन्य विविध आवास सेवा 10.56% है। तो ये थी आज की सबसे मुख्य खबर सातवें वेतन आयोग की। सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली खबर के बारे में, आने वाली मुख्य खबरों के बारे में आपको समय समय पर अपडेट देता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।